आपको नहीं दिखेगा शायद, और लेकिन पहले जैसे मायावती सरकार थी तो इन एवरी ब्रेक ऑफ 6 मंथ यू कैन सी द डेवलपमेंट, पर अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था अगर हम देखा जाए तो पिछले 5 साल में जो था अखिलेश के आने के बाद जो है सिस्टम तो काफी कंट्रोल हो रहा है, बट अगर कानून व्यवस्था की हम देखेंगे तो आज की डेट में पहले से कुछ चीजें डाइसी हुई हैं। जो पहले कंट्रोल होता था, मार्केट में कोई आदमी निकल नहीं पाता था, लाल बत्तियां कम हो गई थी और क्राइम लेवल कम हो गया था, तो वो देखा जाए तो काफी ज्यादा आजकल लूटपाट वगैरह भी जो इस लेवल की होने लगी है, तो फर्क तो पड़ा है थोड़ा बहुत। चीजें होती हैं, अभी तो आज ही एम्बुलेंस जो है उनका उद्घाटन हुआ है। क्या कभी कोई सोच सकता था कि गरीब आदमी कहीं गांव से फोन करके 108 नंबर पे फोन या जो भी नंबर दिया है उन्होंने उस पर फोन करेगा और उसको 10 मिनट में 15 मिनट में एम्बुलेंस मिल सकती है? आज ये सुविधा हमारे इसमें उत्तर प्रदेश में चालू हो गई है। उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मायावती सरकार से कुछ हद तक चेंज है, लेकिन उस हद तक मुझे लगता नहीं है। जैसे आपने चौक के दंगे वगैरह के बारे में भी देखा तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा कंट्रोल किया जा सका है। देखा कानून, जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सरकार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी वैसी स्थिति इस सरकार में नहीं है, बल्कि उससे कुछ खराब हुई है। क्योंकि कई जगह ऐसा दिखता है कि अनावश्यक दंगे भी कई जगह हो गए हैं, या लोगों का जो पिछले में जो कानून व्यवस्था थी वैसी नहीं है, इस बार ढीली है। अभी जो स्थिति है उसमें मैं 10 में 6 नंबर दूंगी। मेरे ख्याल में तो उन्होंने अपनी युवा शक्ति को संजो कर रखा हुआ आगे के लिए। अभी तक तो कहीं उनकी युवा शक्ति का प्रदर्शन हो नहीं पाया, तो निर्णय वो ले नहीं पाते। सामान्य जो प्रक्रिया उसमें भी उनका दखल नहीं है। पता नहीं ये सरकार कहाँ से चल रही है। अभी तो ये जांच का विषय है कि सरकार चल कहाँ से रही है, जो कुछ भी चल रही थोड़ी बहुत। निश्चित रूप से इसमें मुख्यमंत्री का तो कोई दखल नजर आता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का नजर आता तो जो विधायकों को उन्होंने आश्वासन दिए सदन में खड़े होकर के, आज विधायक सब निराश हुए घूम रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। जितने उन्होंने वायदे किए थे विकास के खड़े होकर के, वहां पर एक पर भी अमल नहीं हुआ। मैंने परसों ही कह दिया कि मेरी अपेक्षाएं जो हैं, और मेरी अपेक्षाएं नहीं जनता की अपेक्षाएं हैं, कि जो उनके चुनाव के वक्त में वादे थे वो अब तक पूरे नहीं हुए जो हो जाने चाहिए थे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस आधार पर पिछली सरकार को लोगों ने हटाया था, वो बेहतर स्थिति जो दिखनी चाहिए थी नहीं दिख रही है, वो दिखनी चाहिए। बिजली की खराब स्थिति जो पहले भी आदमी भोगता आया है, उसमें सुधार की उसको उम्मीद की जरूरत थी, वो सुधार नहीं दिख रहा है, वो दिखना चाहिए। और रही बात केंद्र की, उसने पिछले 5 महीने के बीच में विकास के मामले में कोई कंजूसी न करते हुए 57,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश को उपलब्ध कराई है बिना किसी भेदभाव के। 6 महीने में सही माने में तो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार प्रदेश में केवल जंगल राज, दंगा राज, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता और साथ ही साथ अंतर्द्वंद ही केवल प्रदेश की जनता को देखने को मिला है। इन्होंने किया एक नए पैसे का काम नहीं, इसलिए नंबर देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हां इतना जरूर है कि इनके सरकार में तमाम असामाजिक तत्व बेलगाम होकर के तमाम महापुरुषियों की मूर्तियों को भी खंडित करने का सिलसिला एक चालू किया, बहन जी की मूर्ति तोड़ी और उसके बाद बाबा साहब की कई जगह मूर्तियां तोड़ी गई। इसमें बहुजन समाज पार्टी के दबाव के चलते इन्होंने जल्दबाजी में उसको पुनः स्थापित कराने या मरम्मत कराने का काम किया, इसलिए सौ में पांच नंबर मैं अखिलेश सरकार को इस 6 महीने के कार्यकाल पर मैं देता हूं। नहीं देखिए, अभी मैं समझता हूं 6 महीने में इस सरकार को नंबर देने का सवाल ही नहीं आया। अभी उन्होंने कहा मैं अक्टूबर से या नवंबर से लैपटॉप बांटने की कोशिश करूंगा, आईपैड बांटने, तो जो उन्होंने वायदे किए हैं अगर वो जनता से मांग रहे हैं कि हमको, हमने जैसे ये बेरोजगारी भत्ता शुरू किया उन्होंने, अब वो एम्बुलेंस कर रहे हैं, अगर आगे अगले 2 महीनों में वो लैपटॉप बांटने की बात करें या अपनी योजनाओं को,
तो मुझे लगता है कि उनको 6 महीने का और वक्त दिया जाना चाहिए, तब उसके बाद नंबर आप हमसे पूछेंगे। अखिलेश सरकार की अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो वो यही उपलब्धि है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नया सपना दिखाया है, उत्तर प्रदेश को विकास का एक ऐसा सपना दिखाया है जो कम से कम समाजवादी सोच के तहत बिल्कुल उसको एक युगांतकारी सपना कहा जा सकता है, एक बिल्कुल बदलाव का सपना है। और जो कंप्यूटर संस्कृति वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विकसित करना चाहते हैं, मुझे लगता है वही उत्तर प्रदेश को विकास के नए रास्ते पर ले जा सकती है। मेरे ख्याल 6 महीने में सबसे जो कम असर दिखा है वो कानून व्यवस्था पे, क्योंकि कानून व्यवस्था में बड़ी जबरदस्त इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। उससे ऐसा प्रतीत होता था कि अखिलेश यादव एक सख्त चीफ मिनिस्टर होकर साबित करेंगे अपने आप को, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई भी मौका जब आया, जब जरूरत थी सख्त एक्शन लेने की, अखिलेश यादव नहीं ले पाए। लेकिन अभी जो मुझको व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि शासन प्रणाली पूरी पर उनका पूरा नियंत्रण अभी दिखता नहीं है, ऐसी जो नौकरशाही है, अफसर हैं, वहां से भी सही दिशा आती दिखती नहीं है। ऐसा लगता है एक अभी या तो सेटल नहीं हो पाए 6 महीने भी, या एक कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं समझता हूं अब ये बरसात का सीजन जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम कह सकते हैं विकास का आंकलन कर सकेंगे। मगर हाँ, ये बात जरूर है कि इनको विकास के लिए जो इन्होंने अपना रोडमैप तैयार किया है उस पर इनको कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जैसी बरसात खत्म हो या बरसात से पहले सैंक्शंस जारी हो जाए। देखिए, जैसा एक बार आपसे चैनल मैंने और डिस्कशन में बात कही थी कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है, अराजकता है, तो समाजवादी पार्टी सरकार हो और उम्मीद ये करें कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम से ठीक हो जाएगा, इसकी उम्मीद कम करनी चाहिए। जैसा आज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, जगमोहन यादव ने, उन्होंने खुद भी माना कि लॉ एंड ऑर्डर में अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है और आगे कुछ करना भी है। जैसा हम लोग बाकी जिलों में देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, मर्डर्स बढ़ गए हैं, किडनैपिंग बढ़ गई हैं, और उसमें मुझे लगता है कि शायद उतना मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं कहूंगा कि जो 6 महीने का जो परफॉर्मेंस रहा है अखिलेश यादव सरकार का, ये एक तरह से कांटे और फूल दोनों उस बैग में हैं। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल राइट्स, इन सब फ्रंट पे फेल कर गए हैं, लेकिन जहां तक युवाओं की समस्याओं की बात है उसमें निश्चित है कि थोड़ा आगे कदम बढ़ाएं। तो अगर बहुत ज्यादा मुझे लगेगा शायद 10 में 5 नंबर देने की स्थिति आएगी। तो सुना आपने 6 महीने की सरकार पर लखनऊ के लोगों की प्रतिक्रिया, तमाम राजनीतिक दलों की राय, और अब आपको सुनवाते हैं गाजियाबाद के लोगों का क्या कहना है। जब से सपा सरकार आई है धीरे धीरे कानून व्यवस्था प्रदेश में भी पूर्व जो सरकार थी उनसे बेटर होती जा रही है। जहां भी सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का कुछ कारण बने हैं वहां सरकार ने बढ़िया ढंग से उन्हें सही करने का प्रयास करा है। अच्छा, आपकी नजर में क्या प्रदेश ने पिछले 6 महीने में तरक्की की है या फिर इस तरफ कुछ कदम बढ़ाए हैं? हाँ, तरक्की की तरफ अग्रसर है, नई नई योजनाएं बन रही हैं। ठीक है, कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए अगर आपसे मार्किंग करने के लिए कहा जाए तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 5। देखिए, मैं इस जो भी प्रश्न आपके हैं उनका जवाब देने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नौजवान हैं, युवा हैं, उनसे हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर के नौजवान भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में वोटर है। तो नौजवान होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कानून व्यवस्था के मामले में भी और काम होने की बात, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश जी को इसमें बहुत पूर्ण रूप से आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है व्यवस्था में। तो देखते हुए आप सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, नंबर देने वाली जो बात है उसमें अखिलेश जी नौजवान हैं, युवा हैं, उस हिसाब से मुझे दिखता है कि 10 में से 6 नंबर तो मिलने चाहिए। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खासकर दिल्ली सटे इलाकों में एनसीआर के गाजियाबाद नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता बरेली सहित कई जिलों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई करके स्थिति पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया।
अच्छा, अगर सरकार को मार्किंग करने के लिए कहा जाए तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे यूपी की सपा सरकार को? अभी 6 माह के हिसाब से 6 नंबर ही उनको देना उचित होगा। तो गाजियाबाद के लोगों की राय आपने सुनी, और अब सुन लेते हैं कि साहिबाबाद के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। पिछले 6 महीने में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। जो अधिकारी है, अधिकारी पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। खासतौर से गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली से लगे हुए जितने भी इलाके हैं, सब में मुख्यमंत्री जी के सजातीय अधिकारी आने के कारण वो बिल्कुल खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं यहाँ पर, और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं रहेगी। अब आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने में कितनी जगह दंगे हुए हैं, कितनी जगह दंगे होने की कगार पर हैं। बरेली में देखिए और जगह देखिए आप, यहाँ पर सब जगह सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त हुआ है। सरकारी अधिकारियों पर कोई किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ अधिकारी ऐसे दिखते हैं कि जो विकास कार्यों को जामा पहनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी तक का जो कार्यकाल रहा है सपा सरकार का, अखिलेश सरकार को 10 में से कितने नंबर देते हैं? मैं इस सरकार को अभी तक 6 महीने के कार्यकाल में इस सरकार को फेल करार देता हूँ, और मैं केवल अखिलेश जी को और उनकी सरकार को केवल 10 में से 2 अंक दूंगा। और अब सुन लेते हैं कि आगरा के लोगों के क्या विचार हैं 6 महीने की इस सरकार के बारे में। प्रदेश की जनता ने उस अंधे कानून को बदलने के लिए सपा को अपना मत दिया, विश्वास व्यक्त किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीना में जो बसपा की स्थिति थी उससे और बदतर स्थिति सपा की सरकार में हुई। नहीं, उन्होंने वादे किए थे, वो सारे वादे मुझे लगता कहीं शुरुआत तो हुई नहीं है। वादे पूरे होंगे, कब होंगे तो अलग बात है, अभी शुरुआत तो हो। पहले हम तो 3 से ज्यादा देंगे ही नहीं कभी लम्मा। पिछले 6 महीने में प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। गुंडागर्दी, लूट, हत्या, अपहरण की बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं। बराबर दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। सामुदायिक जो सद्भाव था वो एकदम बिखर गया है। हम तो 0 ही देंगे, बड़ा वाला 0। जिस तरीके से एक युवा मुख्यमंत्री से उम्मीदें लगाई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, लेकिन उस हिसाब से क्राइम की जो संख्या है वो काफी अधिक बढ़ गई है। और मैं समझता हूं कि अगर इस कानून व्यवस्था को नहीं रोका गया, क्योंकि पिछली सपा सरकार का जो पतन हुआ था वो कानून व्यवस्था को लेकर हुआ था, अब दोबारा से वैसे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर देने का सवाल तो जब पैदा होता है जबकि काम शुरू हो, और वक्त भी अभी सरकार को कम मिला है, इसलिए कोई अच्छाई और बुराई अभी कह नहीं सकते इसके बारे में। कुछ दिनों में सब सारी समस्याएं सामने आ जाएंगी। अखिलेश सरकार के 6 महीने आज पूरे हो गए। इस 6 महीने में कानून व्यवस्था आगरे की अगर देखा जाए तो कोई दिन ऐसे नहीं गया जिस दिन के लूट और चैन स्कैनिंग की वारदात नहीं हुआ। बात की जाए नंबर देने की, तो अगले समाजवादी पार्टी को 10 नंबर में से कितने नंबर देना चाहिए? 5 नंबर। अखिलेश सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर जब इलाहाबाद के लोगों से सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है। कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा है, बल्कि और उसमें गड़बड़ी होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन हत्याएं बढ़ रही हैं, दिन प्रतिदिन महिलाओं का शोषण हो रहा है। तमाम हत्या, मतलब गांव में डकैती पड़ रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम हो रहा है। पुलिस प्रशासन का ऐसा लग रहा है कि गलत लोगों का ही साथ दे रही है, न कि अच्छे लोगों का। इससे अच्छे तो मायावती के राज ठीक है, कम से कम अधिकारियों में कुछ था,
इनके द्वारा जातिवाद फैलाना और संपर्कता को बढ़ावा दे रहे हैं। जो भी इन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे, आज भी किसी अपने बात पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। सरकार के क्रियाकलापों